हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कर ली थी। आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, अकाउंटिंग इज़ अ सोशल साइंस। इट इज़ एसेंशियल फॉर दिस सब्जेक्ट्स टू इनकॉर्पोरेट सोशल चेंजेस एंड न्यू रिसर्चर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस, दे ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। दो टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दो टाइप के हैं। फर्स्ट है देसी नामा सिस्टम एंड सेकेंड है डबल एंट्री सिस्टम। आर इंक्लूडेड इन दिस टू टाइप्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर द बोथ टाइप्स इज डिफरेंट, बट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर आइडेंटिकल। बोथ टाइप्स ऑफ आर परमिशेबल। इन प्रेजेंट टाइम डबल एंट्री सिस्टम इज मोर पॉपुलर। अभी के टाइम में डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग है वो ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू कंप्यूटर राधर देन मैन्युअली रिटर्न। कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम। जो ये सारे अकाउंट्स है वो डबल एंट्री सिस्टम में होते हैं। टाइप्स एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम मेथड्स। अब दो टाइप्स है, देसी नामा एंड डबल एंट्री। देसी नामा तो एक ही है, डबल एंट्री के भी तीन सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट है मर्केंटाइल बेस्ड, सेकंड है केस बेस्ड, लास्ट है मिक्स बेस्ड। अब देसी नामा सिस्टम क्या है? इट इज़ एन एंशियंट मेथड ऑफ राइटिंग अकाउंट्स। जनरली इट वाज यूज्ड बाय सोल प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। जनरली द यूज ऑफ दिस सिस्टम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अंडर दिस सिस्टम हाउ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, विच अकाउंटिंग बुक्स आर मेंटेन, इंफॉर्मेशन इन विच कॉन्टेंट्स इज डिस्कर्ड इन अ सब्सिक्वेंट चैप्टर। अब आगे एक चैप्टर है, उसमें देसी नामा के जो अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे हमको करने होते हैं। अब देसी नामा में क्या है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, तो तब पहले के टाइम में देसी नामा सिस्टम यूज़ करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी देसी नामा सिस्टम ज़्यादा कोई लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम है, ये अब यूज़ होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोरियंस द मैथमेटिशियन ऑफ इटली ल्यूका पिशियोली इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अंडरलाइन कर लेना 1 मार्क्स के लिए, द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो कौन? ल्यूका पिशियोली। द अंडरस्टैंडिंग of double entry system is based on rules of debit and credit. Basically there are 3 rules of debit and credit which are discussed in detail subsequently. These rules are the pillars of double entry system. A correct and full understanding of this rule is correct and credit effect of each transaction is included in these rules. Up to prepare accounts under double entry system, 3 different bases are यूज। डबल एंट्री सिस्टम में 3 बेसिस यूज़ होते हैं। फर्स्ट है मर्केंटाइल, सेकंड है केस एंड लास्ट है मिक्स बेस। अब मर्केंटाइल बेस में क्या होता है? मर्केंटाइल और अक्यूरल बेस, तो उसमें क्या होता है? दिस मेथड ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव आर दिस रिस्पेक्टिव ईयर्स आर कंसिडर्ड। सेकेंडली इन ट्रांजेक्शन ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर, ट्रांजेक्शन प्रिटेनिंग टू रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, liability and assets are included. Incomes and expenses of respective accounting year are considered. Where outstanding income, expenses paid in advance, expensing outstanding, income received in advance are included. The incomes and expenses of that particular financial year only considered includes the receivable income of the current year and payable expense of the year are not considered to determine profit. The transaction of previous year are recorded in a previous year and the transaction of next year will be recorded in next year. Accrual और mercantile base में क्या होता है कि जिस year का जो transaction होता है उसी year उसकी entry होती है, ठीक है? Example देखें तो assume that accounts are prepared for the period of 1/4/2014 to 1/13/2015 and salary of ₹5,000 is paid every month. Further assume that salary of March outstanding will be recorded as under salary paid for 11 months
55,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर वन मंथ मतलब मार्च का 5,000 60,000 विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस ऑफ द ईयर 2014-15. इन प्रैक्टिस एक्सक्लूडिंग सर्टन सेक्टर्स इन ऑल द सेक्टर्स द अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर द मर्केंटाइल सिस्टम एक्यूरियल सिस्टम. दिस इज़ वेरी पॉपुलर मेथड. मतलब डेट टू डेट ट्रांजेक्शन ईयर टू ईयर ट्रांजेक्शन एक्यूरियल सिस्टम में होते हैं. ऑल चैप्टर्स इन द बुक आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड. एक्यूरियल बेसिस में क्या होता है, सबसे पहले चैप्टर वाइज भी वही, सबसे पहले आपको थियरी पता चले कि अकाउंट क्या है, फिर आप अकाउंट कर सकते हो. उसके अलावा आप अकाउंट्स कर नहीं सकते हो. सेकेंड है कैश और रिसिप्ट बेस. कैश और रिसिप्ट बेस में क्या होता है, अंडर दिस मेथड द अकाउंट्स ऑफ विच एवर अकाउंटिंग ईयर आर बींग प्रिपेयर्ड, ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर्स आर रिकॉर्डेड. कैश ट्रांजेक्शन ऑफ दिस दैट रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इंक्लूड ट्रांजेक्शन प्रिटेनिंग टू रिसिप्ट पेमेंट लाइबिलिटी एंड असेट्स. द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर आर ऑल्सो कंसिडर्ड. द यूज ऑफ दिस मेथड इज वेरी लिमिटेड. तो मर्केंटाइल और एक्यूरल बेस है वो ही ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटिंग में यूज़ होता है. कैश और रिसिप्ट बेस इतना यूज़ नहीं होता है. और लास्ट है हाइब्रिड मेथड. हाइब्रिड और मिक्स मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज़ आइडेंटिफाइड एज अ मॉडिफाइड मेथड ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम. इट इज़ नोन एज अ मिक्सचर ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम एंड कैश सिस्टम. इसमें मर्केंटाइल और कैश सिस्टम का मिक्सचर होता है. दिस मेथड इज़ नॉट पॉपुलर इन इंडिया. जनरली द कंपनीज मेंटेन देयर अकाउंट्स अंडर दिस मर्केंटाइल सिस्टम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. द कंपनीज गेव सर्टिफिकेट दैट द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर मर्केंटाइल बेसिस. हमने 3 पार्ट्स देखे डबल एंट्री सिस्टम के, मर्केंटाइल, कैश बेस एंड मिक्स बेस. अब स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट. अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो उसके स्टेप्स है 5. फर्स्ट है वाउचर, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, थर्ड है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स. अकाउंट इज अ साइंस डेवलप्ड बाय अ ह्यूमन बींग. साइंस सीन्स अकाउंटिंग इज अ साइंस. इट हैज इट्स रूल्स. इन अकाउंटिंग द ऑपरेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट इज मेड. ऑपरेशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स वेर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द डिफरेंट डेवलप्ड स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप है उसका वाउचर. हम नॉर्मली जब देखते हैं तब सबसे पहले हम अकाउंट लिखते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको वाउचर चाहिए, हमको रिसिप्ट्स चाहिए. रिसिप्ट होंगी तभी हमारे पास प्रूफ होगा कि हम अकाउंटिंग कर सकते हैं. उसके अलावा हमको बाय हार्ट वो डेटा याद नहीं होता. तो फर्स्ट स्टेप है उसका वाउचर. वाउचर इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज़ वैलिड रिटर्न डॉक्यूमेंट टू द ट्रांजेक्शन मेड. ट्रांजेक्शन हुआ है उसका प्रूफ है वाउचर. सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो कैश है या क्रेडिट है. हमने वो गुड्स है वो कैश पे लिए है, कैश पे सेल किए हैं या क्रेडिट पे सेल और परचेस किया है. वॉट एवर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, वेदर द ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट इज डिटरमाइंड इन दिस स्टेज. थर्ड स्टेप है उसका रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कैश है कि क्रेडिट है, उसके बाद क्या करना है. अंडर दिस स्टेज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन जनरल्स और सब्सिडरी बुक्स. जनरल्स में लिखते हैं और सब्सिडरी बुक्स में लिखते हैं. अब आपको क्वेश्चन होगा कि जनरल और सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही है, तो उसमें हम देखेंगे जनरल और सब्सिडरी बुक क्या है. फोर्थ स्टेप है पोस्टिंग इन लेजर. ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन जनरल्स और सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड थ्रू पोस्टिंग लेजर. इन अ लेजर इज मैनेज्ड एट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस अकाउंट आर अवेल्ड एट वन प्लेस. पोस्टिंग में क्या होता है कि एक ही जगह पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं. फिफ्थ स्टेप है ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और अकाउंट्स क्लोज करते हैं. इन ट्रायल बैलेंस ऑल बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स आर डिस्क्लोज. इन 4 स्टेज आर डिस्क्लोज. इट इज़ प्रायर स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. एंड लास्ट है एनुअल अकाउंट्स.
These are prepared on the basis of trial balance adjustment, where trading account, profit and loss account and balance sheet are included. ये सारे जो अकाउंट के मैंने नाम लिए हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स हमको आगे पढ़ने हैं. पूरा सिलेबस हमारा वही है. ये सारी चीज़ें हमको सीखनी हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर एस्पेक्ट्स विच आर एसोसिएटेड इन अकाउंट्स लाइक बैंक बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, रिवर्स एंड प्रोविजंस आर टू बी स्टडीड साइमल्टेनियसली. ये सारी चीज़ें हमको सीखनी ही है. तो आज हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है. अब जो भी मैं PDF भेजूंगी उसके आपको आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि आपने एक बार इसकी एग्ज़ाम तो दी गई है. आधे चैप्टर की आपने एग्ज़ाम कंप्लीट कर ली है. अब जो बाकी है वो होम असाइनमेंट पे आपको कंप्लीट कर लेना है. तो उसकी जो PDF मैं भेजूंगी आपको उसके आंसर्स लिखने हैं और अपने नोटबुक में जो है वो सबमिट करवाना है. थैंक यू.